नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, ये जो दो चीजें हैं, इनमें हमारे जो शरीर में फैट बर्न करते हैं, इनमें क्या फर्क है? अगर मैं कार्डियो करके फैट बर्न करना चाहूँ, शरीर में चर्बी कम करना चाहूँ, मैं कार्डियो करके या मैं वेट ट्रेनिंग करके शरीर में चर्बी कम करना चाहूँ, तो क्या फर्क है? आपने देखा होगा जिम में सबसे ज्यादा लोग, मतलब जिम के ट्रेनर भी आपको ये बताएंगे कि वजन कम करना है, ट्रेडमिल पे दौड़ो, साइकिल चलाओ, क्रॉस ट्रेनिंग चलाओ, रस्सी कूदो, सीढ़ियाँ उतरो चढ़ो, वो सब कसरतें अपने आप में अच्छी है, वो सब एक्सरसाइज अपने आप में अच्छी है, वो हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छी है, हमारी अंदरूनी सेहत के लिए कई तरीकों से अच्छी है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि चर्बी कम करने के लिए क्या वेट ट्रेनिंग, मतलब वजन उठा करके जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, वो अच्छी है या फिर कार्डियो अच्छा है, और हमें कैसे करना चाहिए? आपने देखा होगा जिम में जाते ही ट्रेनर पूछेगा वजन कम करना है, अच्छा वहाँ दौड़ना चालू कर दो या साइकिल चलाना चालू कर दो, अच्छा वजन बढ़ाना है, अच्छा वजन उठाने लग जाओ, जाओ वहाँ पे डंबल उठाओ। मेरा ऐसा कहना है कि वजन कम करना है बढ़ाना, ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज दोनों में ही वेट ट्रेनिंग है, मतलब वजन उठाओ दोनों, और उन दोनों को ही मैं ये भी कहूंगा जिसको वजन कम करना है, जिसको जिसको बढ़ाना है, कि तुम कार्डियो भी करो 10-15-20 मिनट हफ्ते में 3-4 बार, या तुम्हें बहुत पसंद है तो थोड़ा ज्यादा कर लो, भले ही तुम कार्डियो भी करो, जिसको वजन बढ़ाना है उसको भी मैं कहूंगा। लोगों को लगता है कि भागना है पतले होने के लिए और वजन उठाना है मोटे होने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। दोनों मैं कहूँगा, दोनों दोनों करो, लेकिन वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करो, कार्डियो कम करो, दोनों को ही मैं ये कहूँगा। अभी फैट बर्न करने के लिए हम बात करें तो वेट ट्रेनिंग और कार्डियो में फ़र्क देखते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में बात करी थी कि वेट ट्रेनिंग जो है मसल रिकवरी, इसमें मसल ब्रेक ज़्यादा होती है तो मसल रिकवरी ज़्यादा होती है, तो मसल रिकवरी में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, और ये कार्डियो में लगभग जितनी ऊर्जा खर्च होती है वो उसे हम जितनी देर कर रहे होते हैं उतनी देर ही होती है, उसके बाद नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब है कि फैट कार्डियो में जब तक हम उसे कर रहे हैं तभी बर्न हो रहा है, चर्बी तभी खर्च हो रही है, और वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो चर्बी फैट कम हो रहा है, हम वेट ट्रेनिंग कर चुके हैं उसके बाद भी, हम जिम से घर पे आ गए हैं, घर पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी। इसको हम अब थोड़ा सा गणित लगा करके समझेंगे, मान ले, और हम ये देखेंगे अभी कि कैसे वेट ट्रेनिंग से हम ज़्यादा चर्बी खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा फैट बर्न कर रहे हैं कार्डियो के मुकाबले। एक मान लेते हैं 1500 BMR का आदमी है, BMR क्या होती है, मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, पुराने वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ, कुछ वीडियोज़ इस वीडियो के आखिर में लिंक कर दूंगा, नहीं तो बात तुम पुराने वीडियोज़ में जाके सर्च कर सकते हो, मैं जो भी जिस भी वीडियो में बात करता हूँ वो पुराने वीडियो से के आधार पे ही करता हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पीछे जाके देख लेना। एक आदमी जिसकी BMI 1500, हफ्ते में 6 दिन कसरत करता है 1 घंटे, इसकी मेंटेनेंस कैलोरी, हमने मेंटेनेंस कैलोरी वाले वीडियो में सीखा था निकालने का तरीका, ये 1 घंटे कसरत करता है, ढंग से करता है, तमीज से करता है, ऐसा भी नहीं है कि 5 मिनट करा और फिर 10 मिनट आराम करने लग गया, ठीक है एक सेट करा आधा, एक डेढ़ मिनट आराम करा फिर एक सेट करा ऐसे, और ठीक वजन उठाता है एकदम, ऐसे भी नहीं कि हल्का फुल्का उठा रहा है। 1500 × 1.725 करा हमने, ये लगभग 2600 आता है, 2600 कैलोरी इसकी मेंटेनेंस हो गई। अच्छा यही, ये आदमी हमने मान लिया लगभग 60 किलो का है, यही 60 किलो का आदमी जिसकी BMR 1500 है, ये कुछ नहीं करता घर पे जो एकदम आम जो काम नहीं होता कि खाना ले लिया, बैठ गए, खा लिया, पानी पी लिया, ये सब करता है, तो इसकी मेंटेनेंस होगी 1500 × 1.2, वो भी 1800, ठीक है। अब ये आदमी जो अभी तक जिसकी मेंटेनेंस 1800 थी, अब ये इसने कसरत करनी चालू करी, ये तीन तरीके की हम कसरत की बात करेंगे जो आमतौर पे लोग करते हैं। 1 घंटा वॉकिंग के लिए गया, 1 घंटा वॉकिंग के लिए गया तो लगभग 200 कैलोरी खर्च करेगा, 1 घंटा ये वॉकिंग के लिए गया, मतलब चलने गया, टहलने गया, नॉर्मल अपनी जैसी स्पीड पे हम टहलते हैं वैसे टहल रहा है, 200 कैलोरी खर्च करे इसने 1 घंटे। मान लेते हैं
1 घंटा इसने वॉकिंग नहीं करी, इसने सोचा मैं ज़्यादा कैलोरी खर्च करूँ तो 1 घंटा दौड़ा। अब 1 घंटे लगातार मैं अपनी एकदम फुल स्पीड पर तो दौड़ ही नहीं सकता, वो अपनी नॉर्मल जॉगिंग वाली स्पीड पर दौड़ा, जितना भी मेरे हिसाब से बहुत कम लोग कर पाएंगे। उस 1 घंटे में उसने लगभग 500 कैलोरी खर्च कर दी, थोड़ी ऊपर भी हो सकती है थोड़ी कम भी हो सकती है। ये जो केस था कि 1 घंटा दौड़ा, ये बहुत कम हो सकता है कोई लगातार 1 घंटे दौड़ ले। ये लगातार क्या मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो तुम बीच में रुक रुक करके भी दौड़ोगे तो 1 घंटे दौड़ना काफ़ी होता है, थक जाता आदमी। अब इसी इन दोनों की बजाय कोई एक ऐसा आदमी, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग होते हैं, कि वो जो कुछ देर दौड़ा और कुछ देर चला, मान लो 30 मिनट चला और 30 मिनट दौड़ा, 30 मिनट चलने के कारण उसने 100 कैलोरी खर्च करी, 30 मिनट दौड़ने के कारण उसने लगभग 250 कैलोरी खर्च करी, तो कुल मिलाकर उसने 1 घंटे में 350 कैलोरी खर्च करी। दोनों ने 1 घंटे कसरत करी, इसने वेट ट्रेनिंग करी, उसने कार्डियो करा, जिसमें भी मैं ये कह रहा हूँ फिर से कि 1 घंटे दौड़ना कोई आसान बात नहीं है, 30 मिनट दौड़ना भी कोई आसान बात नहीं है, भले ही आप जॉगिंग वाली स्पीड पे दौड़ रहे हो, धीरे ही दौड़ रहे हो, तेज नहीं दौड़ रहे हो, क्योंकि 30 मिनट हर कोई नहीं दौड़ पाता। और ज़्यादातर ये जो दौड़ने वाला काम है वो करते हैं मोटे लोग, जो 60 किलो के नहीं होते, जो 80 किलो 100 किलो 110-120 किलो के होते हैं, तो वो वैसे भी 5 मिनट भी नहीं दौड़ पाते, तो उनके लिए असली में हो भी नहीं पाता कि वो 1 घंटा दौड़ ली, वो 30 मिनट भी नहीं दौड़ पाते, 5-10 मिनट भी दौड़ना उनके लिए मुश्किल होता है, वो लगभग चल ही पाते हैं, लेकिन वो वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने 350 कैलोरी खर्च करी। मान लेते हैं वो आदमी 1 घंटे दौड़ा भी, तो उसने 1800 जो उसकी वैसे मेंटेनेंस थी उसमें 500 कैलोरी और उसने खर्च कर दी, 2300 उसकी कैलोरी खर्च हुई 6 दिन वो दौड़ा हफ्ते में, जैसा कि आदमी 6 दिन वेट ट्रेनिंग कर रहा था, 6 दिन उसकी 2300 कैलोरी खर्च हुई। सातवें दिन उसने कोई कसरत नहीं करी, आराम करा, इसने भी करा, सातवें दिन उसकी 1800 कैलोरी खर्च हुई, उसने आज कुछ और ऊपर नहीं खर्च करी। 6 दिन से उसकी शरीर में जो रिकवरी होनी बाकी है, थकावट है वो रिकवरी होनी है, उसमें हो सकता है 100-200 ऊपर भी खर्च हो जाए, हो सकता है 1900 या 2000 कैलोरी खर्च हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कार्डियो में मसल नहीं टूटती, कार्डियो में मसल टूटती है, लेकिन वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा टूटती है, तो इसमें ज़्यादा रिकवरी हो रही है, उसमें एक तरीके से मसल रिकवरी कम हो रही है, आप ऐसे समझ लो, ये समझने के लिए बताया। तो अब इसने 6 दिन 2300 खर्च करी और 1 दिन मान लो 2000 भी कर दी, 1800-1300 की जगह हमने 200 पर भी मान ली 2000 कर दी। अब अगर हम इन दोनों आदमियों का नापे, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल, असली में प्रैक्टिकल जो आदमी कर सकता है ना, वो ये है कि 30 मिनट दौड़ लेता है और 30 मिनट चल लेता है। और मैं कह रहा हूँ 30 मिनट लोग दौड़ भी नहीं पाते, वो 40 मिनट दौड़ेंगे और 20 मिनट 40 मिनट चलेंगे और 20 मिनट दौड़ेंगे, या हो सकता है और भी कम दौड़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर मोटे लोग करते हैं, वो 60 किलो के नहीं होते, 80-100 किलो के तो इतना नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं एक बीच का नंबर लूंगा जो कि एक साधारण आदमी के लिए असली में हो पाता है। मैंने मान लिया 350 कैलोरी वाला जो आधा घंटा चला आधा घंटा दौड़ा वाले में, उसने 350 कैलोरी खर्च करी, वो वाला मैंने मान लिया। 1800 में 350 जुड़ी 2150, लगभग 2200 मान लिया उसने खर्च करी थी एक दिन में। यही आदमी 1 ही घंटे कसरत कर रहा है 2600 कैलोरी खर्च कर रहा है, यही आदमी 1 घंटे कसरत कर रहा है लगभग 2200 खर्च कर रहा है, हफ्ते में 6 दिन की बात हो रही है, 7वें दिन वो और भी कम खर्च कर रहा है, और वो जो 7वां दिन होगा उसमें ये 2600 की जगह मान लो इसने कसरत नहीं करी उस दिन, तो ये लगभग 300 कम कर लो 2300 के आसपास खर्च करेगा। मतलब एक वर्कआउट में हमें लगभग 300 कैलोरी खर्च होती है, लगभग 300-350 ज़्यादा किया तो 400, थोड़ा कम किया तो 250 वैसे एक नॉर्मल आदमी के लिए, कोई ज़्यादा मोटा हो ज़्यादा पतला हो उसके लिए थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसने 2200 कैलोरी खर्च करी, इसने 400 कैलोरी एक दिन में उससे कम खर्च करी, ठीक है। 400 कैलोरी हमें पता है 800 कैलोरी 100 ग्राम होती है, 400 कैलोरी 50 ग्राम होती है, इसने 400 कैलोरी कम खर्च करी, इसका मतलब आज इसके शरीर से 50 ग्राम वजन कम होगा। तो कहने का मतलब एक महीना अगर हम 30 दिन में देखें रोज का 50 ग्राम वजन कम हो रहा है, तो 1.5 किलो एक महीने में जो वेट ट्रेनिंग कर रहा है इसका 1.5 किलो वजन ज़्यादा कम होएगा, बजाय कि इसके जिसका 1.5 किलो वजन कम होएगा। और ऐसे ही मान लेते हैं लोग 3 महीने के लिए सही से खाना डाइट वाइट फॉलो कर रहे थे, मतलब डाइट वाइट चालू करी इन्होंने, सही खाना खाना चालू किया,
एक कार्डियो कर रहा था, एक वेट ट्रेनिंग कर रहा था। 3 महीने में जो वेट ट्रेनिंग कर रहा था वो 4.5 किलो ज्यादा वजन कम कर लेगा उस आदमी से जो कार्डियो कर रहा था। 4.5 किलो 3 महीने में बहुत होता है। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं 3 महीने में 10 किलो वजन कम कर रहा हूँ तो मैंने अच्छा किया है। और एक मैं लगभग 70-60 किलो के आदमी की बात कर रहा हूँ, 75-60 किलो के बीच के आदमी की, जिसने मान लो 70-75 किलो का वजन कम करना चालू किया और 60 किलो तक पहुँचना चाह रहा है, 70 से चालू किया 60 किलो तक पहुँचना कर रहा है चाह रहा है, अगर वो 3 महीने में 10 किलो वजन कम कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। और अगर उसने उसमें से हम 4.5 किलो कम करते हैं तो वो बन जाता है 5.5 किलो। जो वो 3 महीने में 10 किलो कम कर सकता था वो सिर्फ 5.5 किलो कर पाया। इसका मतलब उसे अभी अगले 2-2.5 महीने और वजन कम करना पड़ेगा, उतना ही करने के लिए जितना इसने उन्हीं 3 महीने में कर लिया जो वेट ट्रेनिंग करना था। इसलिए वेट ट्रेनिंग ज़्यादा फायदेमंद है। रोज के दोनों 1 घंटा देते हैं, फिर भी वेट ट्रेनिंग वाले का जो परिणाम है वो ज़्यादा अच्छा है। और वेट ट्रेनिंग में जो ताकत है, जो एफर्ट है, वो बहुत उतना ज्यादा नहीं लगता है जितना कार्डियो में लगता है। लगातार लगातार छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे अगर आपको कार्डियो करना है और आप लगातार नहीं भी कर रहे, आप रुक रुक करके भी कर रहे हो ना, तो आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.25 घंटा लग जाएगा। सबसे पहले आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ले लेकर के टाइम को भी अगर आप छोड़ दो, अगर आपने उतना भी किया ना तो भी कार्डियो इतना लगातार करने में बहुत टाइम, मतलब कार्डियो इतना करने में बहुत जान लगती है, बहुत जोर लगता है। यही अगर आप ठीक ठाक 1.5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक लेकर के, अगर आप 1 घंटे वेट ट्रेनिंग करो ना 1.5 मिनट का ब्रेक लेकर के ढंग से, तो उतनी जान नहीं लगती। भाई मैंने कार्डियो भी करके देखा हुआ है और वेट ट्रेनिंग भी, मतलब कार्डियो में मुझे ऐसा लगता है मेरी बहुत जान लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है वेट ट्रेनिंग के मुकाबले। आप कह सकते हो कि मेरे को वेट ट्रेनिंग के टाइम मसल में दर्द होता है, वो दर्द सहन करना मुश्किल है, ये वो ये वो, लेकिन मुझे उससे इतनी कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से मतलब मुझे 1 घंटा कार्डियो करने में बहुत तकलीफ महसूस होती है अपने आप में, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करने के मुकाबले। वेट ट्रेनिंग से आपकी शरीर में जो मसल है वो जितनी है उतनी रह सकती है, उससे बढ़ सकती है, अगर आप सही खाना खा रहे हो वेट ट्रेनिंग के साथ। तो कार्डियो में अगर बहुत ज़्यादा कार्डियो करा जाए तो आपका मसल, आपकी मसल लॉस भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा कार्डियो आप 1.5-2 घंटे 3-3 घंटे भी करते हैं लोग जिम में, इतनी मेहनत करते हैं तो आपका मसल लॉस भी हो सकता है ये, जबकि आपको वेट ट्रेनिंग में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 घंटा बहुत है, मतलब 60 से 75 मिनट बहुत है। और कार्डियो में कोई, कार्डियो करने से कोई खास मसल गेन हुई है, मसल बढ़ी है शरीर में, ऐसा नहीं पाया जाता। अगर थोड़ा बहुत फर्क आया तो है, लेकिन वेट ट्रेनिंग से काफ़ी फर्क आता है शरीर। लेकिन मैं एक बात और फिर कहूँगा कि अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वैसे तो वेट ट्रेनिंग कार्डियो कुछ भी कर रहे हो, खाना एकदम सही तरीके से, सही तरीके का खाना चाहिए, खास करके जब फैट लॉस करोगे कि तुम पहले से कम खा रहे हो, अगर वो भी सही नहीं होगा तो शरीर को नुकसान होगा। लेकिन वेट ट्रेनिंग में मैं एक बात और ज़्यादा खास कर कहूँगा कि खाने का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग हमारी मसल को ज़्यादा तोड़ती है। तो अगर हम वेट ट्रेनिंग में खाने का ध्यान बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं रख रहे ना अगर ढंग से, तो हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ये मेरी भी पर्सनल एडवाइस है, मतलब मेरी पर्सनल राय है। अगर मसल बढ़ेगी शरीर में तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, सबसे पहले तो मसल बढ़ेगी तो तुम अच्छे दिखोगे, देखने में अच्छे लगोगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा मतलब आप जो एक दिन में ऊर्जा खर्च कर रहे हो वो बढ़ेगी, मसल ज़्यादा होती है शरीर में तो शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, तो एक दिन में आप जो ऊर्जा खर्च करोगे वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो आपकी भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो आप ज़्यादा खाना खा सकते हो। ये भी एक नज़रिए से अगर आप देखो तो अच्छा है, एक नज़रिए से। तो ये मैं मतलब आप सबके सामने रखना चाहता था कि कार्डियो और वेट ट्रेनिंग क्या है। तो अगर अगली बार जिम जाओ और जिम जाते ही मेंबरशिप के पैसे दे करके, जिम की फीस दे करके तुम बोलोगे भाई साहब मुझे तो वजन कम करना, और ट्रेनर आपको वजन कम करना और ट्रेनर आपको बोले कि चलो दौड़ना चालू करो, सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी चालू करो, तो ट्रेनर को बोलना कि नहीं मैंने सुशांत का वीडियो देखा था और उसने बताया कि
चाहे वजन बढ़ा रहा है या कम कर रहा हूँ, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी है कार्डियो के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि हमें कार्डियो बिल्कुल नहीं करना, हमें कार्डियो करना है, चाहो तो भले ही रोज़ करो, लेकिन जैसे रोज़ करोगे तो थोड़ी थकान महसूस होगी, आज कर लिया फिर परसों कर लिया फिर एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन कर लिया, ऐसे हफ्ते में 3-4 दिन कर लो, 15-20 मिनट कर लो, और उसमें भी ज़्यादा अच्छा होगा हाई इंटेंसिटी कार्डियो करो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसके बारे में मैंने पहले बात करी वो करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे फैट भी ज़्यादा बर्न होता है और शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो अब से अगर वीडियो देख लिया तो ये समझ लेना कि आगे जा करके हमें चाहे वजन कम करना है, हमें सीधा जा करके ट्रेडमिल या साइकिल पे नहीं चढ़ना, हमें वैसे ही वजन उठाना है जैसे कोई बॉडी बनाने के लिए वजन बढ़ाने के लिए उठा रहा है, हम साथ में कार्डियो भी रखेंगे अपनी अच्छी सेहत के लिए। एक बात और, यहाँ पे हमने जो भी बात करी है, जिस भी तरीके की कार्डियो की बात करी है, वो ज़्यादातर उस तरीके का कार्डियो है जो लोग एक ठीक ठाक स्पीड पे लगातार करते रहते हैं, मतलब हाई इंटेंसिटी की हमने बात नहीं करी है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जिम में आपको जो भी लोग मिलेंगे ना वो हाई इंटेंसिटी नहीं, मतलब अगर कर रहे हैं तो 10-15 मिनट कर रहे हैं तो बात अलग है, बाकी वो घंटे घंटे भर वो खाली स्टेडी स्पीड पे करते हैं, मतलब एक मॉडरेट स्पीड पे, बीच की स्पीड पे करते हैं, वो ज़्यादा इंटेंसिटी पे नहीं करते, मॉडरेट इंटेंसिटी, बीच की इंटेंसिटी भी करते हैं वो, या हो सकता है कम इंटेंसिटी भी करें। तो हाई इंटेंसिटी भी तो आप फैट अच्छा बर्न करोगे, जब आप कार्डियो करना छोड़ोगे उसके बाद में भी आप की बॉडी फैट बर्न करेगी, लेकिन एक तो आप उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, एक आप उसको रोज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर करने में भी टाइम लगेगी, और एक जो आज आम भारत की जनता कर रही है बाहर वो ये है कि वो एक एक घंटा मॉडरेट स्पीड पे या लो स्पीड पे, कम स्पीड पे ही कार्डियो करे जा रही है। तो ये उन लोगों के लिए मैंने मेन बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट में लिख दो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पसंद आया तो, अगर आप चाहते हो कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिले तो नोटिफिकेशन चालू कर लो इस चैनल के, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।